हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिंदी लैंग्वेज। काल, काल को इंग्लिश में टेंस भी बोलते हैं। काल का मतलब होता है समय। जैसे जो क्रिया में शब्द आते, सब शब्दों से हमें यह पता चलता है कि क्रिया हमारी किस समय हुई है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या समय का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जैसे देखिए, मैं तुम्हारे घर गया था, था यानी कि बीता हुआ समय है, तो हमारा ये हो गया भूतकाल। मैं तो यहाँ खेलने आया हूँ, ये यानी कि समय चल रहा है। पढ़ाई करना, आने वाला समय। तो ये हमारे जो शब्दों से ये पता चल रहा है कि क्रिया हमारी किस समय हुई है। ऐसे काल के भेद तीन होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल किसे कहते हैं, बीता हुआ समय। जो हमारा समय बीत गया है उसको हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मिशिका नाच रही थी, यानी कि वो नाच रही थी, कब नाची थी हमें उसके समय का पता नहीं है। तो ये हो गया हमारा भूतकाल। वर्तमान काल जो इस समय चल रहा है, क्रिया के जिस रूप से उसके चलने का समय का होने का पता चलता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। जैसे मैं कहानी पढ़ रही हूँ, है ना, तो पढ़ रही हूँ यानी कि इस समय मैं काम को कर रही हूँ, तो ये हो गया हमारा वर्तमान काल। अब भविष्यकाल, आने वाला समय, यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले काम आने वाला होगा या वो कर रहा होगा तो वो हमारा भविष्यकाल है। जैसे मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूँगा, यानी कि बना नहीं है वो लेकिन बनेगा, तो ये क्या होगा, ये आपका भविष्यकाल हो गया। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइज आपको खुद फिल करनी है इसकी, और इसको चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, डेफिनेशन भी याद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।